खुले में शिक्षा ग्रहण करने को है मजबूर छात्र। विकास खंड मुंडा पांडे के गांव मिलक के अक्का डिलारी के प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है। बच्चे खुले में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। आपको बता दें, अक्का डिलारी प्राथमिक विद्यालय की छत इतनी जर्जर है कि छत के थपेड़े टूटकर गिरते रहते हैं। इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र का कहना है, हमने कई बार इसकी जानकारी विभाग को दे दी है, अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। बच्चे कमरों में बैठते हुए काफी भयभीत रहते हैं। आए दिन छत टूटकर गिरती रहती है। इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की जा चुकी है। छत इतनी कमजोर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के अक्का डिलारी ग्राम पंचायत में। यहाँ हमें एक ऐसी समस्या देखने को मिली है, जहाँ जैसा कि आप जानते हैं, सरकार एक तरफ शिक्षा को लेकर तरह तरह के अभियान चला रही है, कायाकल्प के अंतर्गत सौंदर्यीकरण भी विद्यालयों का काफी हद तक करवाया जा चुका है, और सरकार ने शिक्षा की तरफ ध्यान देते हुए इतना सब कुछ, इतनी जो फैसिलिटीज है वो यहाँ लोगों को दिखे मुहैया कराई हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं ज्यादातर ग्राम पंचायतों में यहाँ देखने को मिली हैं, जो कि जर्जर भवन की है। यहाँ ज्यादातर विद्यालयों के जो लिंटर हैं, छतें हैं, वो बहुत ही जर्जर खस्ता हालत में हैं। एक किस्म से ये कहिए कि यहाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों की और बहने वाले शिक्षकों की जान को खतरा हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिंटर की हालत इस हालत तक जर्जर है कि कभी भी किसी भी समय भूकंप या हल्के से भूकंप के झटके या किसी भी आंधी तेज तूफान से गिरकर बच्चों की जान पर खतरा बन सकता है। मेरा सरकार से निवेदन है और अनुरोध है कि जहां बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं शिक्षा को ध्यान में रखते हुए और इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस भी ग्राम पंचायत में, ज्यादातर ग्राम पंचायत में ऐसी हालत है, जिस भी ग्राम पंचायत में विद्यालयों की यह हालत है, उन पर खास तौर से ध्यान दें और उनके छत लेंटर के नव निर्माण के लिए सरकार यहां पर जो है कोई ऐसी फैसिलिटी मुहैया कराए, धनराशि मुहैया कराए, ताकि ये जो समस्याएं विद्यालयों में अक्सर देखने मिल रही हैं, ये कम से कम होती नजर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और बच्चों को इसका लाभ मिले। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मवीर सिंह यादव। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? मैं शिक्षा मित्र पद पर हूँ। शिक्षा मित्र पद पर हैं मैडम, आप जो है सहायक अध्यापक हैं यहाँ पर। यहाँ इस विद्यालय में किस तरह की समस्या सबसे मेन आप महसूस करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य को या अपने स्तर पर किस तरह की समस्या विद्यालय में आपको सामने आती है, जिसका सबसे पहले आप चाहते हैं कि निवारण किया जाए? विद्यालय में सबसे प्रथम समस्या जो है जर्जर भवन की है, और हमें बच्चों को बैठाते हुए और हमें खुद भी बैठते हुए वहाँ डर लगता है। हम बैठे हुए होते हैं, बच्चे बैठे हुए होते हैं, ऊपर से प्लास्टर टूट टूट कर गिरता रहता है, और यहाँ लिंटर बिल्कुल नए सिरे से पढ़ना मांग रहे हैं। बिल्कुल पूरे विद्यालय की छतें सभी खराब हैं, और ये बदल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ ये लिंटर टूट टूट कर गिर रहा है, क्या कभी आपके सामने ऐसा कोई मतलब सिचुएशन ऐसी कोई सामने आई है जिससे लगा हो कि कभी ना कभी ये पूरा ही गिर सकता है? बहुत डर लगता है ये सोच कर कि कभी हमारे ऊपर गिर जाएगा। बारिश में, बरसात में जब ये भीगा हुआ फूला हुआ खड़ा होता है, और उसके बाद धूप निकलती है और सूखता है, तो हमें डर लगता है कि ये गिर जाएगा। और लास्ट टाइम हम बच्चों को बाहर बैठाते हैं कि ऐसा ना हो कि ये बच्चों पर या हमारे ऊपर गिर जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे मैडम? हाँ, कहना चाहेंगे कि अब सर्दियों के मौसम में तो हमने इनको बाहर बैठा लिया, काट लिया, लेकिन अब धूप में कैसे बैठाएंगे? वो हो सकता है कि हमारी मजबूरी ये होगी, हम इन्हें कमरों में नहीं बैठा पाएंगे, हमारी मजबूरी ये होगी कि हम इन्हें बाहर टेंट लगाएं, कैसे बैठाएं, वो बैठाना पड़ेगा। अगर इस छत का, जर्जर छत का कोई भी मरम्मत का काम अगर नहीं हुआ तो मजबूरी है कि बच्चों को बाहर टेंट डालकर बाहर से टेंट से, क्योंकि कमरों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चों के साथ में नहीं। अब हम ग्राम पंचायत के हैं और हम गाँव के हैं, घर के हैं, तो हम तो ऐसा मतलब नहीं होने देंगे कि हम बाहर ही बैठा लेंगे, मजबूर होंगे। नया लिंटर पड़ना चाहिए, नव निर्माण होना चाहिए यहाँ इसका लिंटर। भवन वैसे भवन तो सही है, बस सिर्फ लिंटर ही, लिंटर का मेन समस्या, बाकी और कोई समस्या नहीं है।